दीदी को आ जाने दो मम्मी प्लीज, इसे मत भेजो मम्मी प्लीज, मत भेजो इसे मम्मी प्लीज, ये पापा की आखिरी निशानी है, मम्मी इसे मत भेजो। हेमंत जी, क्या आप ये अंगूठी खरीद सकते हैं? ये मेरे अनु और ईरा के पिताजी की है। मगर ये अंगूठी आप बेचना क्यों चाहते? अब सब कुछ तो ठीक हो गया है। कुछ ठीक नहीं है, मुझे आपके पैसे लौटाने, घर खर्च के लिए चाहिए। आप इसे ले लीजिए प्लीज। मम्मी, मम्मी नहीं, प्लीज मत भेजो मम्मी, प्लीज मत भेजो मम्मी। तुम अंदर जा, ये तुम्हारा मतलब का काम नहीं है, अंदर जा। प्लीज अंदर जा। रानी दीदी, बाद में लौटा दीजिएगा मेरे पैसे। आपको वादा किया था कि 10 दिन के अंदर आपके पैसे लौटा दूंगी, आप इसे रख लीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है रीमा जी, ये अंगूठी आपकी अमानत के तौर पर मेरे पास सुरक्षित रहेगी। आप जब चाहेंगी मेरे पैसे लौटाकर आप इसे ले सकती हैं। अच्छा वह अनु बेटी, तुम आ गई। मैं तो ये अंगूठी लेना नहीं चाहता था, लेकिन भाभी जी के आंसू के आगे मजबूर हो गया। हेमंत जी, मैं जानती हूं कि आप पापा के बहुत गहरे दोस्त थे। उनके जाने के बाद आपने हमें रहने के लिए ये घर दिया, इससे ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते आपको। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, हम चलते। चलो यही नीचे थे हम। चुप हो जाओ मां, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन तू जो कर रही है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। कुछ नहीं होगा मां, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी बेटी है ना, सब संभाल लेगी। नहीं अनु, जो हुआ उसे भूल जाओ। नया घर है, नए लोग, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ अनु। माँ, खतरों से खेलना बंद करो। खतरा मोल लेने तो आई हूँ मैं यहाँ। आंटी डार्लिंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। अरे अब तक तो मैं आपके घर पहुँच भी गया होता, लेकिन क्या बताऊँ, ये मेरी गाड़ी मुझसे रूठ गई है। चलो बाय, मैं उड़ के पहुँचता हूँ। टैक्सी, 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 टैक्सी। भाई साहब, अंबर रोड चलना है। उस साइड नहीं जा रहा मैं। अरे आप मुझे मना कर ही नहीं सकते, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बोला ना सर, क्यों साइड नहीं जा रहा? देखिए, वो मेरी गाड़ी खड़ी है ना, वो खराब हो गई है, और मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है, और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो प्लीज 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 मेरी मदद कर दीजिए। अरे भाई साहब, आप देखने में इतने भले इंसान लगते हैं, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है चलिए। थैंक यू। यस, अरे भाई, ये कौन से रास्ते जा रहे हो? ये गलत रास्ता है। अरे सर जी, आपको नहीं पता, शॉर्टकट है, शॉर्टकट। शॉर्टकट? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये गलत रास्ता है।
अरे बोला ना सर जी, शॉर्टकट है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक रहे हैं, पुलिस को फोन करूं? तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी करता हूं। कैसे? अभी तुम्हें तो आज छोड़ने वाला नहीं। ये लोग कौन है? लुटेरे हैं सर जी। हाँ? टैक्सी लूटने आए हैं। अरे तो तुम कहाँ बाहर जा रहे हो? अरे सर जी, मैं देख कर आता हूँ। लड़की है तो तुम ठीक हो? आप गाड़ी में बैठो साहब जी, इनको मैं देख लूंगा। अरे उठो, ऐसे कैसे मर सकते हो तुम? उठो मैं कहती हूँ। अरे वो मर चुका है, वो क्या बोलेगा? तुम चलो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। भगवान का शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है। एक सेकंड। बस बस हो गया। ये तुम मुझे कहां लाए? मेरे घर। क्यों? तो क्या तुम्हें वहां इसी हाल में छोड़ देता? थैंक यू। इट्स ओके। मैडम आप पॉइंट पे हैं? क्या चल रहा है इस समय? तुम्हारा ऐसे लड़के के वेश में टैक्सी चलाना, लोगों का तुम पे हमला करना, और सबसे अजीब बात, जब वो आदमी मर गया तो तुम अपने आपे से बाहर हो गई थी, क्यों? ये सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है क्योंकि तुम्हारे इन दोस्तों ने मुझ पे भी अटैक किया है और आगे भी करेंगे। वो मेरे दोस्त नहीं है। तुम आराम से यहां बैठो, मैं तुम्हारे पानी लेके आता हूं। एक्सक्यूज मी, अरे वो टैक्सी ड्राइवर कहां गई तुम? सर सर, इन लोगों से पता चला है कि इस रोड पर आगे केटी में सीसीटीवी है, मैंने उनसे फुटेज मंगवाई है। और सर, एक गवाह ने बताया कि तीन गुंडों के साथ एक लेडी टैक्सी ड्राइवर और उसके पैसेंजर्स की हाथापाई हुई थी। लेडी टैक्सी ड्राइवर? ओह,
यह आदमी शायद इस आदमी ने 2 साल पहले कोई क्राइम किया था। ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे कि इसने किया क्या था। बड़ा सा कीड़ा, ये देखो। अरे कीड़ा है तो क्या हुआ पंकज? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। कौन हो? सीआईडी ऑफिसर, और एक मामूली कीड़े से डर गए? सुनो, अरे खुद भी डर रहा है और मुझे भी डर रहा है। रेडी पंकज, ये मूछ है। मूछ है तो मुंह पे होनी चाहिए, जमीन पे क्या कर रही है? सर नकली मूछ है। प्लीज सर, ऐसे मत बोलिए सर, प्लीज। आप और भी सही, ये देखिए विग, नकली मूछ। ये विग मतलब उस टैक्सी ड्राइवर ने फेस बदला था। मगर क्यों सर? अब ये तो वो टैक्सी ड्राइवर ही बता सकती है। हाँ सर, ये देखो पैरों के निशान, लगता है कोई यहां पे खड़ा था इस पेड़ के पास, और यहां खड़े होकर पूरा झगड़ा देख रहा था। ये क्या है? ये क्या है सर? हाँ सर, फुटेज आ गया। देखो गाड़ी के नंबर से पता करो कि टैक्सी किसकी। सर पूर्वी एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करके प्ले करो और इस आदमी पे ज़ूम करना। वही आदमी है जो यहाँ इस पेड़ से टेक कर खड़ा था, और ये स्ट्रैप उसके हैट का स्ट्रैप है जो शायद यहाँ इस झाड़ पे चिपक गया। कौन हो सकता है सर ये? पहले तो उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना होगा, फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। हे भगवान, ये क्या हुआ? चोट कैसी लगी तुझे? अरे कुछ भी नहीं हुआ है माँ, ये थोड़ी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वो लोग मिले थे क्या? बेटा ये तू क्या कर रही है सब? छोड़ क्यों नहीं देती है सब कुछ? माँ इरा को लेके अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ मैं दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हूं। दरवाजा बंद करो। ओ आंटी, हाय चुलबुली, मैं व्यान, अभी अभी आपकी बेटी से दोस्ती हुई है। लेकिन मैं चुलबुली नहीं, ईरा हूं। देखा, असली नाम निकलवाई लिया ना, ईरा। तुम यहां कैसे है? तुम्हारा पीछा करते करते। अनु ये सब क्या है? आंटी आंटी रिलैक्स, मैं आपको समझाता हूँ। जब अनु पे गोली चली थी ना, तो मैं वहां पे था, फिर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी बेटी की मदद की। तो आप खुद बताइए, क्या ये मेरा हक नहीं कि मैं जान सकूं कि आखिर बात क्या है? आंटी बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? जी नहीं, तुम्हारा ये सब जानने का कोई हक नहीं। अनु आंटी आंटी रिलैक्स, मैं देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग चिंता मत करो। आंटी
क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन डोर बेल बजा रहा है इतनी रात के? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मोना जी मैं बताती हूँ। देखिए रीमा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इस घर में कोई अजनबी नहीं चाहिए, वरना आप लोगों को घर खाली करना पड़ सकता है। शांत हो जाओ। अरे अनु बेटा, ये टैक्सी ड्राइवर के कपड़े में वो एक्चुअली हेमंत जी, वो क्या है ना, समझ गया, तुम टैक्सी चला के कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रही हो। देखा मोनू कितनी समझदार बच्ची है। अब कौन आया है? रेलवे स्टेशन बना रखा है इस घर को, जिसका मन किया चल आए। लेकिन इतने लोग आ क्यों रहे हैं यहाँ पर? अनु अनु मैं देखता हूँ। आंटी CID? सर हमने उसको नहीं मारा, वो तो बस खुद को बचाते बचाते गोली चल गई और वो गोली उसे लग गई। हाँ सर, ये सच कह रही है। वो लोग हमें लूटने के लिए हमारे टैक्सी के सामने आ गए और इसीलिए हमें उनसे उलझना पड़ा और फिर उस आदमी ने इस पे गोली चला दी थी। ईरा, पंकज, ईरा को बाहर लेकर जाओ। किसने किसको लूटा, किसने किसको मारा, ये हम पता लगा लेंगे, समझे? तुम सिर्फ इतना बताओ, ये क्या है, ये क्या है ये? और फिर उस रात उन सुनसान जगह पर क्यों गई थी तुम? क्या वो शॉर्टकट था? नहीं, फिर क्यों गई थी? और अब ये गन तुम्हारे पास कैसे आई? कहां से आई ये गन? ये गन हमें तुम्हारी टैक्सी में मिली। मैं सच कह रही हूं सर। सच तो ये अनु कि तुम जानती थी उसे, जो मारा गया उसे तुम अच्छी तरह से जानती थी। उसका नाम सुजीत था और तुम उससे बदला लेना चाहती थी अपने पिता की मौत का। हाँ, मैं जानना चाहती थी कि वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े, क्या चाहते हैं वो और क्यों? वो दोनों ने घर आके पापा को, अन्नो अन्नो कौन थे वो लोग? अन्नो, मुझे कम से कुछ कहना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। पार्टी को मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, थोड़ा टाइम केस भी चला, छूट गए वो लोग। केस बंद होने के बाद हमने जैसे तैसे जीना सीख लिया, पर ये लोग लगातार हमला करने लग गए हम पर, इसलिए हम लोग मुंबई आ गए। और यहाँ आने के बाद बस मैं ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से इस बात का पता चले कि आखिर वो लोग चाहते क्या है हमसे। और इसलिए तुम टैक्सी वाली बन गई, टैक्सी चलाने लगी ताकि तुम जानती थी कि सुजीत टैक्सियां लूटता था। लेकिन अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि पता लगाना अब हमारा काम है और हम पता लगा कर ही रहेंगे, समझी? उन दोनों के फोटोग्राफ दिखाओ उनको। Thank you.
ये वो दो लोग हैं जिन्हें तुमने देखा था अपने पिता की मौत के बाद अपने घर से भागते हुए, जिसमें से ये सुजीत छोटी मोटी चोरियां करता था लेकिन ये तो मारा गया, और दूसरा इसका दोस्त अंगद जो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन ये क्या बिजनेस करता है किसी को नहीं मालूम। अनु सर एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा था ना? हाँ अब वो क्या क्या कहा था उन्होंने बताओ? वो कह रहे थे कि पार्टी को मतलब गंजा, मगर सर इन दोनों में से तो कोई भी गंजा नहीं है। हाँ फ्रेडी, इन दोनों में से तो कोई गंजा नहीं है, मगर हो सकता है इन दोनों के पीछे जो दिमाग है वो आदमी गंजा हो सकता है। ये रहा अंगद का घर सर। मिलते हैं इससे। वो रहा अंगद, पीछा करते हैं, देखते कहां जाता है, किससे मिलता है। ऑटो ने आगे से लिफ्ट लिया सर। उस ऑटो का नंबर नोट किया ना? हाँ सर, ZX04YX7459। अरे ये इतनी भीड़ क्यों है इधर? ये ऑटो ये इधर क्यों रुका हुआ है? अंकल देखो ना भाई साहब, देखो ना भाई, देखो ना कैसे हो, क्या हो गया, क्या हुआ, भीड़ क्यों है? ये लो पीछे 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 चलिए। हे भगवान, ये तो मर चुका है। कैसे मराई, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। रिक्शा में तो तुम दोनों ही थे। हाँ रोजी की कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। सर गला घोट के मारा इसे, ये तार का निशान है। सर और किसी चोट या हाथापाई का कोई निशान नहीं है। मुझे तो लगता है सर ये झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो बस गाना तेज आवाज में बजाकर ऑटो को भगाया जा रहा था और अपनी राम कहानी बताया जा रहा था। गाना बहुत तेज आवाज में बज रहा था, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हुआ और कब हुआ। साहब रिक्शा के रेयर व्यू मिरर में देखा नहीं तुमने पीछे कौन है, किसने किया ये? नहीं साहब। सर चलती हुई ऑटो में कोई किसी का गला कैसे घोट सकता है? किसी ने बहुत प्लानिंग की है इसका खून करने के लिए। पता करना पड़ेगा इसका खून करने के लिए इतना दिमाग किसने लगाया। इरा आंटी जी एक बात याद रखिएगा, ये भी आपका ही घर है। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी बेटा कि तुम जैसा भी कोई हमें मिलेगा। आंटी अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। यानी आप अच्छे हैं? क्यों तुम्हें डाउट है? आंटी आंटी आप दोनों प्लीज अंदर जाइए, तब तक मैं आपकी उस नकचढ़ी लड़की को लेकर आऊंगा। प्लीज आंटी। मैडम अब आप अंदर चलेंगी या मैं रेड कारपेट बिछवाऊं? कमाल है, चलो छोड़। देखो जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तुम्हें मुंबई में रहने के लिए इससे सेफ जगह नहीं मिल सकती। जानती हूं मैं। तो फिर
लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पचड़ों में पड़ो। मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मुझसे प्यार हो गया है क्या? अच्छा बाबा, नो मोर मजाक। अच्छा अच्छा अनु, लिसन, देखो कितने टाइम से तुम सब कुछ अकेले ही सह रही हो। ये पिताजी की मौत, बार बार हमले, ईरा और माँ की जिम्मेदारी। अब देखो CID तुम्हारी हेल्प कर ही रही है, अब इसमें अगर मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? अपनी थोड़ी तकलीफें मुझे दे दो। जी सर, तुम रिक्शा को उसी रूट से ले जाना जिससे कल तुम अंगद को ले गए थे। जी सर। और जहाँ जहाँ रुके थे वहाँ वहाँ रुकना, समझे? जी साहब। साहब गाना भी बजाऊंगा? बिल्कुल। और निखिल, रिक्शा के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अच्छी तरह ध्यान रखना, फोटो खींचते रहना। मिलने के बाद फोटो चेक करते हैं, शायद उस खूनी का कोई सुराग मिल जाए। चलो। ऑटो रिक्शा पे नजर गड़ाए रखना, इसके आसपास की एक भी हरकत हमारी आंखों से चूकना नहीं चाहिए। साहब फिर से वही हुआ, ये भी मर गया। इसके गले पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे अंगद के गले पे था। सांसें धीमी चल रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे, जल्दी। निखिल सांस लेते रहो। श्रेया, इस ऑटो को फॉरेंसिक भेजो, जल्दी। कैसी तबीयत, कैसी है निखिल की? हाँ निखिल, अब खतरे से बाहर है सर। थैंक गॉड। दे एक मिनट, ये देख, ये इसके गले पर जो निशान है ना, इसके हिसाब से इसके पीछे कोई आदमी या कोई मैकेनिज्म था। ये देखो, ये गले पे देखो, ये तार के खींचने का सबसे ज्यादा प्रेशर गले के बिल्कुल बीचों बीच है यहाँ, और ये निशान ऊपर की तरफ, मतलब किसी ने ऐसे ऊपर की तरफ खींचा है, यहां प्रेशर आया। फ्रेडी, पंकज, इस ऑटो का पिछला हिस्सा खोल दो। बकिया, हमारी जांच पूरी होने के बाद तुम्हारे रिक्शा जैसे थी वैसे बना के देंगे, फिक्र मत करो। हाँ मेरी वजह से हुआ, कहा था मैंने मेरे पिछड़ों में मत पड़ो। विहान, ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अनु, तुम मेरी बात सुनो। हेलो सर। हेलो मैम। विहान, हमें जूतों के निशान मिले जहां हमलावर खड़ा था, क्या आपने उसे देखा? नो मैम, एक्चुअली वहां बहुत अंधेरा था और सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि, लेकिन हाँ मैंने उनकी गन देखी थी, वो सिल्वर गन थी। ठीक है, वार्ड के बाहर हम सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं,
लेकिन हाँ आप भी सतर्क रहिए। सर एक्चुअली वो हमला मेरे लिए नहीं अनु के लिए था। जी हाँ, अब इसीलिए अनु हमारी ऑफिसर पूर्वी की निगरानी में रहे। थैंक यू सर। अनु, ये अनु कहाँ गई? अभी तो यही थी। अनु सर, सर अनु कुछ तो है जो अभी तक हमारे नजर में नहीं आया है। सर है, यहाँ पे कुछ है, ये देखिए। पंकज नहीं, हाथ में लगा बड़ी भारो। ओह, तो ये वायर यहाँ छुपी हुई है। हाँ, और इसका कनेक्शन यहाँ पीछे इस मैकेनिज्म से था। इसमें तो मोबाइल के रिंगटोन जैसा कुछ बजा है। तारिका, निकल के शर्ट के बटन से हमें जो वैक्सीन का टुकड़ा मिला था वो है ना हमारे पास? चल यार, इस बॉक्स को हटाओ। जी सर। क्या ये? साहब मैं तो खुद ही हैरान हूँ अपने ऑटो में ये जादू मंत्र देख के। जादू मंत्र है ये? ये मैकेनिज्म, ये लेगजिन का टुकड़ा, ये वायर, आप समझ में आया? सर सॉरी, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पल्ले नहीं पड़ा, मैं समझाता हूँ। आओ रिक्शा में बैठो, बैठो। ये अंगद यहाँ इस रिक्शा के अंदर आके बैठा है। रिक्शा के अंदर फोन बजने की आवाज आई और अंगद इस फोन की आवाज से पलटा, वो यहां वहां देखने लगा। पलटो। पलट के जब उसने देखा तो यहां सीट के नीचे ये मैकेनिज्म पड़ा था। जैसे ही अंगद पीछे पलटा, ऐसे ही निकल पे पलटा होगा, जब सीट के पीछे से आवाज आई और उसने पीछे झुक के इस मैकेनिज्म को ऐसे उठाया। ये मैकेनिज्म ऐसे अंगद के गले में आके फंस गया और वो वायर तब तक कसा रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। और अंगद के मरने के बाद ये केबल अपने आप ऊपर चला गया। माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश? उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची अंगद को मारने के लिए, मगर उसके पास शायद उसे टाइम नहीं मिला, इसीलिए वो ये मैकेनिज्म निकल नहीं सका और हमारा निकल इसके चपेट में आ गया। क्या अब बताओ, पर क्या तुमने ये? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, ये सब मेरे बस का कहाँ है साहब, मैं तो आठवीं फेल हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। चलो माना कि तुमने नहीं किया, मगर किसी ने तो किया है और उसके पास पूरा समय था आराम से तुम्हारे रिक्शा में बैठ के सब करने के लिए। लेकिन सर खूनी को कैसे पता कि अंगद इसी रिक्शा में बैठने वाला है? साहब ये पता हो सकता है क्योंकि अंगद साहब हमेशा मेरी ऑटो से जाते थे। इसलिए उस मुजरिम ने तुम्हारा ऑटो चुना, मगर उसने तुम्हारे रिक्शा में ये मैकेनिज्म कब फिट किया और कैसे? तुम रात को अपनी ये रिक्शा कहां पार्क करते हो? आइए साहब, साहब रात को मैं अपनी ऑटो यहीं खड़ी करता हूँ और साहब वो रहा मेरा घर। पंकज, यहाँ पे जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उन सब के नंबर्स नोट करो। श्रेया जयवंती, यहाँ आसपास पूछताछ करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। ये बात है, कहाँ हो तुम? आ गई हूँ मैं। पर्ची भिजवाई थी ना तुमने? बोलो क्या चाहते हो मुझसे?
पेपर्स लाई हो? पेपर्स कहाँ हैं? कैसे पेपर्स? ज्यादा होशियारी नहीं समझी? मुझे वो पेपर्स चाहिए, पेपर्स। मैं किसी पेपर्स के बारे में नहीं जानती। किन पेपर्स के बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ खाली हाथ क्या करने आई हूँ? मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मेरे परिवार को परेशान करना छोड़ दो, ये खूनी खेल खेलना बंद करो वरना। जब तक वो पेपर्स नहीं मिलेंगे ये खेल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ, मुझे जवाब दिए बिना जा नहीं सकते यहाँ से। कहाँ? जवाब दो मुझे, जवाब दो। पेपर्स दो और अपनी बहन को ले जाओ। छोड़ दो मेरी बहन को, प्लीज। मैं नहीं जानती किसी पेपर्स के बारे में, यकीन करो मेरा, मैं नहीं जानती। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। झूठ बोल रही हो तुम? फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो पेपर्स कहाँ है? मुझे पता है पेपर्स कहाँ है। आइए आइए रीमा जी। अच्छा, अपने साथ अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को भी लाइए, बढ़िया है। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। कमाल, अपनी बेटी को छोड़ने की बात कर रही है और पेपर्स दे ही नहीं रही। वो पेपर्स मेरे पास है। अरे तो अपने पास क्या अचार डालोगे? लाओ मेरे पास। अब आया हूं पहाड़ के नीचे, बहुत परेशान किए थे इन पेपर्स ने। गद्दारी किया इन्होंने, पकड़ इनको। खुद चाहते थे कि तुम अपने इस खाल से बाहर निकलो। ये सब मैं कर रहा हूं, तुमने कैसे जाना? बड़ी आसानी से, मैंने पक्या के घर के सामने टैक्सी में एक टॉय लटकते हुए देखा था और ठीक वैसा ही टॉय अनु के टैक्सी में भी था। अनु के पापा के फाइल फोटो में उनके गाड़ी में भी ठीक वैसा ही टॉय था और उन्होंने मरने से पहले उसे बचाने के लिए कहा था। हमने अनु के गाड़ी में जो टॉय थी उसे चेक किया और उसके अंदर से हमें ये चिप मिला। तो तुम ये सब जान गए हो कि सब मैं कर रहा हूं? हाँ, यही कि तुम्हें खूनी हो और पैसों के लिए लोगों का खून कर देते हो और अनु के पापा ने तुम्हारे गुनाहों के बारे में सब पता लगा लिया था और उसके सारे डिटेल्स इस चिप में है और इसे पाने के लिए तुमने अनु के पापा को मरवा दिया था। तो एक खून और देख लो तुम, अनु का। अनु तुम ठीक हो ना? बट वाह, खेल लिया ये खूनी खेल, तेरे दिन भर गए। पंकज ले जाओ से। अनु आप ठीक हैं?
आज आप सबकी वजह से मेरी जान बच गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें नहीं, थैंक यू विहान को बोलो, इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारी जान बचाई। सर लगता है विहान को आदत सी पड़ गई है अनु को बार बार बचाने की। सर क्यों ना अनु की रखवाली की जिम्मेदारी हमेशा के लिए विहान को दे दी जाए। क्यों विहान? मैम आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं तो अब हमेशा के लिए इस परिवार का हिस्सा ही बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, चलो घर चलते हैं। सर मुझे सीआईडी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि ऐसा बहुत कम होता होगा कोई केस लव स्टोरी पे जाके खत्म हो। हाँ ये बात तो है, बहुत कम, but all's well that ends well. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.